नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में कोरोना का प्रसार एक बार फिर से हो रहा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना की रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, अलग अलग विभागों के मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं, वहीं दूसरी ओर दरभंगा से कोरोना से जुड़ी हुई एक अजीबो गरीब खबर निकल कर आई है। दरअसल दरभंगा में DMCH से कोरोना पॉजिटिव महिला भाग गई, यानी कि वो अस्पताल से भाग गई, पॉजिटिव थी तो उन्हें आइसोलेट किया गया था, लेकिन पीछे पीछे पुलिस वाले और प्रशासन बांस बल्ला लेकर पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्यों बांस लेकर पहुंच गए महिला के पीछे पीछे। तो पूरी जो खबर है वो आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा वहां पर। दरअसल दरभंगा के सिंहवाड़ा स्थानीय दक्षिणी पंचायत के लालपुर निवासी एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम हो गया है। प्रशासन सुरक्षा के उपाय अपना रही है। जानकारी के अनुसार महिला को ब्रेन हैमरेज के बाद परिजन इलाज के लिए पटना ले गए थे। पटना में उपचार होने के बाद उन्हें फिर से DMCH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। DMCH में जांच के दौरान ये पता चला कि महिला कोरोना पॉजिटिव भी है। तत्काल DMCH के कोरोना वार्ड में उसे भर्ती कराया गया और महिला ने क्या किया, चुपचाप वो वार्ड से भागकर घर चली गई। सिविल सर्जन ने इसकी जानकारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रेमचंद प्रसाद को दे दी। सूचना मिलते ही प्रखंड महकमा हरकत में आया, वहीं इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही BDO राजीव रंजन, CO और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आनंद फानन में लालपुर उसके घर पहुंचे। पीड़ित के घर के सामने बांस बल्ले से घेर कर कंटेनमेंट जोन बनाया गया। इससे पहले पदाधिकारी उसे DMCH के लिए फिर से भेज रहे थे, लेकिन वह वहां जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी। थक हार कर स्थानीय प्रशासन ने उसका घर पर ही इलाज कराने की व्यवस्था कराई और उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया। जैसा कि बताया कि प्रशासन के लोग पीछे पीछे बांस बल्ला लेकर आए थे, तो उसे कंटेनमेंट जोन में तब्दील करने के लिए ही वो बांस वगैरह लेकर आए थे, ताकि उस इलाके को घेरा जा सके और लोगों को इससे ये जानकारी मिल सके कि यहाँ पर कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है, उस इलाके से दूर रहना है। तो ये जो मामला है वो दरभंगा जिले का है। DMCH से ये महिला जो है, जो कोरोना पॉजिटिव थी, वो चुपचाप से निकल कर भाग गई और अपने घर चली गई थी, जहां पर प्रशासन के लोग पहुंचते हैं और उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर देते हैं। तो मामला दरभंगा का है। लालपुर की महिला थी जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। पहले उसका ब्रेन हैमरेज हुआ, पटना में इलाज हुआ, फिर वापस से उसे DMCH में भर्ती कराया गया था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, वो चुपचाप से DMCH के कोरोना वार्ड से निकल कर भाग जाती है और सीधे घर पहुंच जाती है। लेकिन प्रशासन को ये डर सता रहा था कि उसके घर जाने से और लोगों को कोरोना का खतरा हो सकता है, जिसके वजह से उस इलाके को तत्परता के साथ कंटेन जोन में तब्दील कर दिया गया और प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कराई कि कोरोना का इलाज उस महिला का घर पर ही हो सके। क्योंकि जब उसे वापस DMCH ले जाने की बात कही जाने लगी, तो उसने सिरे से इनकार कर दिया कि वो बिल्कुल भी अस्पताल में नहीं जाना चाहती है। लेकिन कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है, फिर से मामले निकल कर आ रहे हैं, इसलिए जरूरत है कि आप सावधान रहें। अगर इस तरह का मामला आपके आसपास में दिखाई देता है, तो आप प्रशासन को सूचना देने की कोशिश करें, और अगर आपको भी महसूस होता है कि कोरोना का खतरा है, तो आप जल्द से जल्द अपनी जांच कराएं और लोगों को भी मदद करें कोरोना को लेकर जागरूक करने में। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।